फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसिफ टेक टॉक। तो दोस्तों, नेशनल स्कॉलरशिप का जो पेमेंट है रिन्यूअल का, वो किसी किसी का नहीं आया था। तो जो भी जिसका बाकी था नेशनल स्कॉलरशिप का रिन्यूअल का पेमेंट, तो वो जो है क्रेडिट कर दिया गया है आज। तो आप चेक कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, जो भी ऑनलाइन आप प्रोसेस है उससे आप चेक कर सकते हैं, या आपको मैसेज मिल गया होगा आपके मोबाइल, जो भी रजिस्टर्ड नंबर है मोबाइल पे उससे, या फिर आप यहाँ पे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं PFMS से। तो इसके लिए चेक करने के लिए आपको PFMS पेमेंट सर्च करना होगा, ठीक है। जैसे सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रैक NSP पेमेंट सर्च करना है, लिखा होगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, बैंक अकाउंट का नाम लिख देंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर लिख देंगे, ठीक है, और सर्च कर देंगे ये कैप्चा कोड इंटर करने के बाद, या फिर आप सिर्फ एप्लीकेशन ID इंटर कर देंगे नेशनल स्कॉलरशिप का। तो फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर करना होगा, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका डिटेल्स है, बैंक ट्रांजेक्शन डेट जो लेट हो गया था, आप देख सकते हैं 2 अप्रैल का ट्रांजेक्शन डेट था, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट ड्यू भी 2 अप्रैल का है, लेकिन पेमेंट सक्सेस जो हुआ आज मिला है 25,000, जो भी आपका अमाउंट होगा वो, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका पेमेंट मिला है या नहीं, और अभी आपका क्या स्टेटस शो कर रहा है अगर नहीं मिला है तो। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।